जय जवान जय किसान, नमस्कार, दुआ सलाम। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं। अभी आप लोग सोच रहे होंगे मैं बहुत ज़्यादा भींगा हूँ। एक्चुअली क्या हुआ था, मैं आज सुबह से ही फरखाबाद क्षेत्र में निकला हुआ था। मैंने सोचा आज फरखाबाद क्षेत्र का जो भी आलू का पोजीशन है वो आप लोगों को मैं कोल्ड स्टोर से जाके दिखाऊंगा। एक्चुअली क्या हुआ था, बहुत देर से बारिश हो रही थी। मैं सोच रहा था अभी रुक जाता हूँ, बारिश बंद होती है तब आप लोगों को अपडेट देता हूँ, लेकिन मैंने सोचा बारिश हो रही है और मैं भींग ही गया था, तो मैं सोचा आप लोगों को अपडेट दे देता हूँ। आप लोग देख पा रहे हो अभी इस समय हम फरखाबाद डिस्ट्रिक्ट के जहानगंज के रसीद कोल्ड स्टोर के अंदर मौजूद हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो यहाँ सामने एक गाड़ी लोडिंग चल रही है और बारिश देख रहे हो भाई साहब किस तरीके से हो रही है। उधर पूरा का पूरा पानी भरा पड़ा हुआ भाई साहब, खूब भर गया है, अच्छी तरीके से भर गया है। और रही बात यहीं की नहीं, मतलब आपका पूरा फरखाबाद, कन्नौज और लगभग कई इलाकों में बारिश हो रही है। और आप लोग इस वीडियो को कहां से देख रहे हो, आपके क्षेत्र में बारिश हो रही है या नहीं हो रही है, तो प्लीज़ आप लोग इतना तो बता ही दीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए, लगे कि हाँ आप लोगों को अपडेट देने के लिए मेहनत करा था, मैंने इधर आया था, तो आप लोग ना वीडियो को लाइक भी कर देना, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए अभी फ़िलहाल में आप लोगों को मैंने दिखा दिया है कंटिन्यू इस तरीके से, जिस तरीके से बारिश हो रही ना इसी तरीके से बारिश जो है लगभग कंटिन्यू यहाँ पे 2 घंटे हो रही है भाई। मतलब एक बार सुबह हुई थी बंद हो गई, लेकिन फिर कंटिन्यू 2 घंटे से इसी तरीके बारिश हो रही है। ऐसे देखते हुए जितना भी खाली स्थान है लगभग सभी जगह बारिश का पानी जो है अच्छी तरीके से भर गया है। तो सबसे पहले तो आपको हम बरामदे के अंदर का सीन दिखाते हैं कि बरामदे के अंदर जो है आलू जो है कटाई वगैरह किस तरीके से चल रही है, क्या कैसा सीन देखने को मिल रहा है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहीं इधर दिखाओ, इधर दिखा दो, तो इधर देखो ये आलू कटी पड़े हुए हैं, और इधर ये सफ़ेद आलू है, उधर ये लाल आलू है, और इधर भी आलू की कटाई वगैरह कंटिन्यू जारी है। तो चलिए आप लोगों को हम सबसे पहले ये बरामदा दिखा देते हैं, बाद बाकी जो है हम लोग अभी यहाँ पे जो कोल्ड स्टोर में जो आरती भाई है और जो भी है एजेंट भाई, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो अभी जो है रसीद कोल्ड स्टोर के अंदर बरामदे में बाकायदा अच्छी तरीके से काम जो है जारी है। और अभी मैंने इस क्षेत्र में पूरा भ्रमण किया है और हमने सभी कोल्डों में देखा, लगभग सभी कोल्डों में आलू की जो कटाई का काम है, बिक्री का काम है, वो अच्छी तरीके से शुरू हो चुका है, अच्छी तरीके से आलू की बिक्री हो रही है। बस अब किसानों को इंतज़ार था इस चीज़ का कि यार अब आलू का भाव कब बढ़ेगा और अब क्या बारिश होने लगी है, आलू का भाव सही मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे कुछ भैया लोग, भैया थोड़ा इधर आइएगा, ये भैया लोग यहीं पे हैं, थोड़ा इनसे बातचीत कर लेते हैं। यही साहब व्यापारी भी है, व्यापारी है, क्या नाम आपका? अजय कुमार। ये कौन सा कोल्ड है? रसीद कोल्ड स्टोरेज। जगह? जहानगंज, फरखाबाद। तो मैं जानना ये चाहता हूँ आज बारिश कितना हुआ है इधर? बारिश यही हो रही है आपके सामने जो हो रही है, पूरा भीगे भी है, बारिश भी जितनी दम था इधर भीगे भी है, मतलब तो खूब बारिश होगी, मतलब आज सही हो गई, सही हो गई, सही हो गई, हाँ बारिश सही। अच्छा, इंतजार था किसानों को बारिश का, अब क्या देखने को मिल सकता है? अब देखो किसान क्या करता है, अभी तो मूंगफली मक्के में लगा है, अब तो मूंगफली खुदाई बंद हो जाएगी, थोड़ा हो जाएगी, उसे और झांकना ढांकना और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी किसान, मेहनत पड़ गई, काम बढ़ गया। हाँ, काम बढ़ गया। आलू में कुछ करंट वगैरह आएगा क्या? डिमांड तो बढ़ेगी, करंट आता कि नहीं आता ये तो बदल, ऐसा लगता है कि जब भी सर्दीला मौसम आता है ना थोड़ा बहुत नम होता तो है, खपत बढ़ जाती है, तो खपत बढ़ जाती है आलू की। एक्चुअली क्या होता है अभी अब ना, अब मन कर रहा है यार थोड़ा समोसे वगैरह मिल जाए या कचौड़ी वगैरह या कुछ ऐसा खाने को मन करता है, बिल्कुल बिल्कुल, तो डिमांड आलू की बढ़ जाती है। तो हो सकता है आलू के दाम में थोड़ा बहुत उछाल आ जाए, हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, लेकिन अच्छा अभी क्या भाव चल रहा है? अभी बिक रहा है 250 से 300 रुपया सफेद आलू हाइब्रिड, 250 से लेके 300 रुपए प्रति कट्टा, प्रति कट्टा। ये किसान का दाम है? ये किसान का दाम है सफेद आलू, सफेद आलू। और लाल वाला? लाल वाला बिक रहा है 400 के आसपास, न्यू हाईलैंड। लाल वाला न्यू हाईलैंड आलू है, 400 रुपए किसान का दाम। हाँ, कंचन बिक रही है 300 से 350 रुपया, 300 से लेके 350। और बाद बाकी चिप्स सोना वगैरह शुगर फ्री आते हो? तो इसमें है नहीं, चोई चैम्बर शुगर फ्री। अच्छा अच्छा, वैसे क्या भाव? वैसे बिक रहा है 400 से 450 रुपए किसान के दाम, 400 से 450 वैसे। अच्छा, एक दिन में रसीद कोल्ड स्टोर से लगभग एक दिन में कितने कट्टे निकल रहे होंगे? इधर दिखाओ तो भैया पूरा पूरा, कितने कट्टे एक दिन में निकलते हो? कट्टे किसान बिकवाली के ऊपर है, व्यापारी का ऑर्डर होता है कि नहीं होता है, इसमें जगह लमसम है, 5 गाड़ी एक बार सूख जाएंगी। अच्छा, जगह अच्छी है, मतलब एक बार में लगभग 4-5 गाड़ियां 5 गाड़ी की जगह सूख जाती है। हाँ हाँ, अब तो हमें लग रहा सारी जगह भरने लगी है, बिल्कुल जगह नहीं, अभी सारी नहीं भरने लगी, अभी ऊपर खाली पड़ा है बिल्कुल, ऊपर भी खाली पड़ा।
बड़ा है। हाँ, यहाँ पे बोली लगती है। हाँ, बोली लगती है। कब लगती है बोली? जब पर्चियाँ किसान ले आए तब कोई दिन नहीं निश्चित है। अभी कोई दिन निश्चित नहीं। जिस दिन पर्चियाँ, आज हुई थी बिक्री? नहीं, आज नहीं हुई, कल हुई थी, परसों हुई थी। परसों हुई थी तो यही रेट आपने बताया था, 250 से लेकर 300 रुपए प्रति कट्टा किसान का दाम सफेद आलू। और लाल गोल होता है वो आपका 300 सवा 300 नहीं बिक रहा। अच्छा, 300 सवा 300, मतलब 325-30। और न्यू हाईलैंड 370-80 से लेके 400-415 तक, 410-15 रुपए प्रति कट्टा बिक जाएगा। हाँ। इसमें कोल्ड भाड़ा अलग से है? कोल्ड भाड़ा अलग से है। बस ये जानना चाहते हैं सभी लोग, यार बारिश हो गया अब, मतलब क्या? अब हाँ, खपत तो बढ़ेगी, बाजार बढ़ती कि नहीं बढ़ती? अच्छा, ये तो विधाता जाने। तो जैसे ऊपर क्या कैसा माहौल लग रहा है आपको? हर जगह तो बारिश हो रहा है। बारिश का गर्मी की वजह से आलू की बिक्री थी बहुत कम। अच्छा अच्छा, अब बारिश हुई है, थोड़ा ठंडा हुआ, बिक्री तो बढ़ेगी। अब किसान पर्चियां कैसे लाता अगर भाई इसी तरीके से आती रही तो बढ़ना चाहिए। बिक्री वगैरह सही हो रही है क्या? बिक्री की? हाँ, उतनी पर्ची आ रही है जितनी डिमांड है। साजिद भाई कहाँ है? साजिद भाई आज आए नहीं है। साजिद भाई का खूब बोलबाला चल रहा है इस समय। साजिद भाई आज आए नहीं है। अच्छा अच्छा, वो भी व्यापारी, आप भी व्यापारी है? हाँ, वो भी भविष्य बता देते सर, आप भी थोड़ा बहुत बताओ क्या हो सकता है भविष्य पर। भविष्य ये सब्जी है, इसका कुछ कहा नहीं जा सकता है। वैसे आलू ज्यादा है, बहुत आए, निकला कम है, ज्यादा है निकल कम, क्योंकि वैसे ज्यादा नहीं है। 12 लाख की कैपेसिटी हमारे फरुखाबाद जिले में बड़ी है इस साल। अच्छा अच्छा, भंडारण क्षमता, मतलब फरुखाबाद पूरे जिले की बात कर रहे हैं? हाँ, 12 लाख पैकेट की भंडारण क्षमता बड़ी है। अच्छा, बढ़ गई है मतलब? हाँ, बढ़ गई है। ओल्ड नया बन गया है, नया बन गया इस साल। और जो है, जो थे पहले वो तो थे ही, ऑलरेडी। और लगभग सभी कोल्ड स्टोर अच्छी तरीके से भरे? हाँ, लगभग सभी कोल्ड स्टोर भरे हैं। लेकिन सुनने भी आता था कि लगभग हर जगह से यहाँ पे कुछ कोल्ड स्टोर खाली भी जगह यहाँ बची थी। नहीं, जगह नहीं बची थी किसी कोल्ड नहीं बची थी। अभी तक इस कोल्ड से कितने निकल गए कट्टे? इस कोल्ड में लमसम 20,000 कट्टे। 20,000? जैसा कि आप लोगों ने जाना है कि आलू का जो भाव है लगभग कई दिनों से वही चल रहा है। हाँ, लगभग 15 दिन से यही बाजार चल रही है। एक ही 250 से लेके 300 और 300 लेके 325, बड़ी मुश्किल से 10-5 रुपए और बढ़ जाएगा गोल वाले पे। क्वालिटी है, क्वालिटी पर क्वालिटी कोई निकल आए। और न्यू हाईलैंड आपका 410-15 रुपए प्रति कट्टा किसान का दाम है, और सेम यही भाव आपको छिबरामू क्षेत्र में मिल जाएगा। अच्छा, फरुखाबाद का क्या? फरुखाबाद यही बिक रहा है सेम? वहाँ भी स्टोर भाड़े बिकता है, वहाँ भी 400-425 रुपए हाइब्रिड बिक रहा है। यहाँ भाड़ा भाड़ा व्यापारी देता है। क्या भाड़ा यहाँ क्या रहा? 130 रुपए पैकेट। 130 रुपए पैकेट, लगभग सभी जगह 130 रुपए पैकेट ही भाड़ा है। तो आप लोग जिस जगह से वीडियो देख रहे हो तो प्लीज आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता दो कि आपके क्षेत्र में क्या बारिश हो रही है, और अगर हो रही है तो कितनी हो रही है। तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलना, और अभी तक आपने अपने भाई का चैनल जो सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी मत भूलना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए हमेशा इसी तरीके से आलू की अपडेट लाता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय जवान, जय किसान। हाँ, बता दिया, मतलब ठीक है, बंदा उठा जाना पकड़ा।